रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन को ईरान द्वारा घातक ड्रोन की सप्लाई किसी से छिपी नहीं है। इसके अलावा इसराइल हमास युद्ध में ईरान लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला को लगातार हथियारों की सप्लाई और फंडिंग कर रहा है। ईरान ने हमास को भी पाला पोसा है और अब यही ईरान अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में गले की फांस बन गया है। दरअसल ईरान हर महीने किसी न किसी नए हथियार की नुमाइश करके अमेरिका को चिढ़ा रहा है और ये सब हो रहा है जब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए ईरान लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहा है। अब इसी कड़ी में एक और खबर सामने आई है जो अमेरिका का सिर दर्द बढ़ा सकती है और वो ये है कि ईरान की नौसेना को नई क्रूज मिसाइलें, ड्रोन और हेलीकॉप्टर मिले हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी का कहना है कि ईरानी नौसेना को तलाइये और नसीर क्रूज मिसाइलें दी गई हैं और ये मिसाइलें पूरी तरह से स्वदेशी हैं। और बड़ी बात यह है कि गाजे बाजे के कार्यक्रम के साथ दक्षिणी ईरान के कोणार्क नौसैनिक अड्डे पर इनकी घोषणा की गई। इसमें एक मिसाइल सिस्टम और एक डाइवर्स का डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम भी है। इसको लेकर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी नौसेना प्रमुख शहरम ईरानी के बयान के हवाले से कहा है कि तलाइये क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक है और इसमें एक स्मार्ट मिसाइल है जो मिशन के बीच में ही टारगेट को चेंज कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लाल सागर और हिंद महासागर में तेल टैंकरों पर हो रहे लगातार हमले को लेकर ईरान पर आरोप लगा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि कैम प्लूटो मोटर जहाज जिसमें लाइबेरिया का झंडा है, जापानी मालिकाना हक वाला और नीदरलैंड द्वारा चलाए जाने वाले केमिकल टैंकर पर सुबह करीब 10 बजे हिंद महासागर में हमला हुआ। भारतीय तट से करीब 370 किलोमीटर दूर से ईरान ने एक तरफ ड्रोन हमला किया। आपको बता दें कि ईरान लगातार लाल सागर में यमन के आतंकी संगठन हूती के जरिए पश्चिमी देशों के मालवाहक और ऑयल टैंकरों पर हमले करवा रहा है। इसके अलावा हूती ने कई जहाजों को जब्त भी किया है। हूती का कहना है कि जब तक इसराइल गाजा में हमले नहीं रोकता है तब तक वो इसराइल से संबंधित जहाजों पर हमले जारी रखेगा। हालांकि अमेरिका के इन आरोपों पर ईरान के विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने इनकार किया है। उन्होंने अमेरिका के आरोपों को आधारहीन बताया है। ما به صراحت با آمریکایی‌ها گفتیم که اونها بر اساس مساله خود تصمیم گرفتند که چگونه از غزه دخالت کنند، اما ما نیز هرگز به آنها نه دستوری داده ایم و نه دستور خواهیم داد که شما اقداماتتون رو متوقف بکنید. برای ما امنیت منطقه بسیار مهم هست. ما به دنبال گسترش دامنه جنگ نیستیم. راهکار ایجاد ائتلاف در دریای سرخ نیست. راهکار متوقف کردن ریختن خون سرخ زنان و کودکان و غیر نظامیان غزه و کرانه باختری فلسطین هست. लेकिन लाल सागर में लगातार हो रहे हमलों की वजह से दुनिया की टॉप 5 शिपिंग कंपनियों ने इस इलाके में अपने ऑपरेशन को रद्द कर दिया है और इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका ईरान का हाथ होने का आरोप लगा रहा है, क्योंकि ईरान के इशारे पर ही हूती लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि उसने कई बार इसराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन भी दागे हैं।